ये क्वेश्चन जो है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सिंपली जैसे कल आपने सॉल्व किया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना, इसी तरह ये सेम क्वेश्चन है। बट इसमें क्या है, एक कुछ एक चीज़ और ऐड हो गई है कि आपको लोड भी फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए चाहे तो, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स बीम की बात कर रहा है, 160 mm वाइड है, मतलब कि क्या गिवन है, स्मॉल बी गिवन है। ठीक है, 300 क्या गिवन है बताइए, 300 स्मॉल mm डी डीप इफेक्टिव, मतलब क्या गिवन है, ये स्मॉल डी स्मॉल डी। ठीक है, द रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 4 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर, मतलब 4 बार आपकी लगी है 16 mm की, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, मटेरियल यूज इज M15 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, टेक स्मॉल एम इज इक्वल टू 18। आपको इस मॉडुलर रेशियो की वैल्यू भी गिवन दे दी है। आगे के क्वेश्चन में, इफ द स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपको फाइंड करना है कि बीम कितना लोड बियर कर सकता है। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट, मतलब कि एक्सटर्नल लोड प्लस उसका खुद का जो लोड बीम का सेल्फ वेट होता है, उस दोनों मिला के। तो अगर मैं आप बात करूँ, सपोज आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, जैसे आपने फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। ठीक, अब ये मान लीजिए कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड द पूरे पे यूडीएल लगा है। ठीक है, मान ली डब्ल्यू एंड द लेंथ ऑफ द स्पैन इज कैपिटल एल, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा बताओ इस केस में। क्लास में मैंने डिस्कस किया था, लोकेश, डब्ल्यू एल डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन स्क्वायर एल। अपॉन हाँ, बहुत बहुत अच्छा, किसने बताया आंसर, मुजीब सर। मुजीब। ठीक है, तो अब देखो मुजीब, आपने अगर मोमेंट फाइंड कर लिया तो मोमेंट को यहाँ रख दिया। ठीक, आपको स्पैन पता है, एल पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डब्ल्यू निकल जाएगा। सर ठीक है ना, तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आप मोमेंट आपको पता है, मोमेंट का फॉर्मूला, अगर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लगा, डब्ल्यू स्क्वायर बाई एट होगा, मोमेंट आपने फाइंड कर लिया है, स्पैन ऑफ द बीम पता है, तो यहाँ से आप डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले हम फाइंड करते हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड के लिए सबसे पहले क्या फाइंड कर, पहले लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है। तो स्मॉल बी कितना गिवन है, 160 mm, स्मॉल डी कितना गिवन है, 300 mm, ए एस टी गिवन है, 4 बार कह रहा है, 16 mm की। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 804 mm स्क्वायर। अगर M15 ग्रेड कॉन्क्रीट है, ठीक है, तो M15 के लिए सिग्मा सी बी सी की वैल्यू कितनी होती है, 280 अपॉन थ्री सिग्मा नहीं सी सिग्मा सी बी सी सीबीसी सर सर 18 फाइव फाइव फाइव। ठीक है, और एफी 250 है, तो एसी 250 के लिए सिग्मा 140 एस टी की वैल्यू 200, दो सौ एक चालीस की 140। सौ चालीस ठीक है, और मॉडलर रेशियो की गिवन है 18, ये आपको दे दिया, तो निकालने की जरूरत नहीं है मॉडलर रेशियो। ठीक है, एंड एल कितना गिवन है, 5 मीटर, ये आपको डेटा गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, कंप्रेशन और टेंशन दोनों का है। तो आपको पता नहीं आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसका मतलब ये नहीं पता आपको सेक्शन आपका अंडर इन्फोर्स है, सेक्शन आपका ओवर इन्फोर्स है, या सेक्शन आपका बैलेंस सेक्शन है। तो उसके लिए पता करने के लिए सेक्शन आपको कौन सा, उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, एक्चुअल स्ट्रेसेस मतलब कि एन निकालेंगे और एन सी निकालेंगे, दैट इज एक्चुअल यस न्यूट्रल एक्सिस एंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये दो चीज निकालेंगे ना। यस सर तो फर्स्ट वन इज कंपेयर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन सी अपॉन डी माइनस एन सी। ठीक है, एम की वैल्यू 18 है, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, सिग्मा एस टी है 140, एन सी आपको फाइंड करना है, डी कितना है, 300 है माइनस एन सी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, एन सी की वैल्यू आएगी 159 117.4 mm।
ठीक है, तो अब आपने एनसी फाइंड कर लिया, नेक्स्ट बताओ क्या फाइंड करेंगे? एचयू एक्चुअल एक्चुअल डेप्थ, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं बताओ, फॉर्मूला? सब bn स्क्वायर बाय 2 bn स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ms mast mast ब्रैकेट में d माइनस n, ठीक है? तो b की वैल्यू 160 इनटू n स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू m 18 है, ast आपने फाइंड कर लिया 804 आ गया, इनटू d, d कितना गिवन है 300 गिवन है, माइनस n। इसको सॉल्व करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप जो लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ठीक है? ये आप लोग घर से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है? सिलेबस हो नहीं पाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी 159.5 mm। अब बताओ आपके एन सी की वैल्यू कितनी आई थी? 117.4 mm, और आपकी n की वैल्यू आई है, तो बताओ कौन ज्यादा है, n ज्यादा है कि nc ज्यादा है? n ज्यादा है सर, n ज्यादा है, ठीक है? तो n इज ग्रेटर देन nc, इट मींस सेक्शन कैसा होगा? अंडर ओवर 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 इंपोज्ड, ओवर इंफोज होगा, ठीक है? तो सेक्शन विल बी ओवर इन्फोर्स्ड, है ना? ये सेक्शन इज ओवर इन्फोर्स्ड, ठीक है? सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ओवर में? सर ओवर में करेंगे कंक्रीट वाला, कंप्रेशन कंक्रीट सर, ऐसे याद रखोगे कौन फेल कर रहा है, ओवर में कंक्रीट फेल करेगा तो कंक्रीट कर जाएंगे, ठीक है? तो हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू बी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, पुट कर दो वैल्यू, हाफ सिग्मा सी बी सी कितना है 5 है, बी 160 है, एन, अब एन की वैल्यू यहाँ पे कितना रखोगे, दैट इज 159.5 इंटू डी कितना है, दैट इज 300, ठीक है? इंटू 159.5 डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व करिएगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा आपका, दैट इज आएगा 15.75 किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है? आपने फाइंड के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद रखोगे सबका? यस सर, ठीक। अब देखो मैंने अभी बताया आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन का पहला जो है वो आपने निकाल लिया। अब दूसरा कह रहा है कि स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड व्हिच द बीम कैन कैरी इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट, ठीक? तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर सिंपली सेपरेटेड बीम है, ठीक है? देखो अगर बीम कोई, देखो अगर यहाँ पे बीम मेंशन नहीं है कि बीम कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड है कि कैंटिलीवर कुछ मेंशन नहीं है, तो आप सिंपली सपोर्टेड मान के ही करिएगा। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गए कि अगर कैंटिलीवर बीम है या सिंपली जो भी बीम है मेंशन है, तो उसके हिसाब से आप करिएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, पूरे पे यूडीएल लगा है, स्पैन एल है, तो मैक्सिमम एंड मोमेंट कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। ये पॉइंट क्लियर है ना? अगर मान लो कह देता क्वेश्चन में कि कैंटिलीवर बीम है, अब पूरे पे यूडीएल लगा है, डब्ल्यू स्पैन एल है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, फ्री सरफेस फ्री फ्री एंड पे होगा कि फिक्स एंड पे होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स एंड पे होगा, ठीक है? एंड इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। अगर तो आप देखो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बीम कौन सा है, तो बीम हम मान लेंगे बीम आपके सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है? अगर मान लो हो सकता है मैं क्वेश्चन घुमा दूं चेस्टनल में, मैं क्वेश्चन में लिख दूं कि सिंपली सपोर्टेड, मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा कि कैंटिलीवर बीम है। अगर कैंटिलीवर बीम है तो आपको पता होना चाहिए कैंटिलीवर बीम के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? यस सर। हाँ, सो मान लिया सब्सटिट्यूट बी में, तो मैक्सिमम बेंडिंग पॉइंट कितना होगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। डब्ल्यू एल की वैल्यू कितना है? 5 मीटर, 5 स्क्वायर अपॉन 8। अब मोमेंट कितना आया था बताइए, मैक्सिमम, मैक्सिमम बेंडिंग पॉइंट, ठीक है? तो ये जो मोमेंट आया उसको हमने मैक्सिमम मान लेंगे, ठीक है? तो कितना है? 15.75 किलोन्यूटन डब्ल्यू इंटू 5 स्क्वायर बाई 8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो W कितना आएगा बताओ? 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर।